बीते रोज देश भर में शराब नीति भ्रष्टाचार का मामला छाया रहा। पहले आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी, फिर मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से कई अहम सवाल पूछे। पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से ईडी को कई बार फटकार भी लगी। पूरा मसला आपको डिटेल में बताएं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुमान के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं क्या? केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई या शेयर की गई? अगर प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा, इस आशय का कोई डेटा नहीं है। आपके मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब समूह से पैसा कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचा, ये पैसा किस रूट से दिया गया। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसलिए वो सरकारी गवाह बन गया। दूसरा आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चार्जशीट में आप कहते हैं कि 100 करोड़ दिए गए, ईडी ने इसे 33 करोड़ रुपए बताया है। ये रुपए कहां और किस तरीके से दिए गए, ये चेन साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद ही कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि पैसा सिसोदिया के पास नहीं जा रहा है, अगर ये एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वो शामिल हैं, तो उनकी परोक्ष देनदारी बनती है, वरना अभियोजन लड़खड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से एक अलग अपराध है, हमें दिखाना होगा कि उस संपत्ति पर उनका कब्जा है। आपको प्रावधान के सटीक शब्दों पर जाना होगा और दिखाना होगा कि आप कैसे लाएंगे। कानून में से एक निजी शिकायत माना जाता है। ऐसे तमाम सवाल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए। आपको ये भी बताते चले कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर इससे पहले बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब ईडी आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाने को लेकर कानूनी सलाह ले रही है। वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अब आपको ईडी की इस कार्रवाई को लेकर आप मुखिया केजरीवाल क्या कुछ कहते हैं वो सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे सातों जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला।